तो दोस्तों पता है आप लोग सिक्योरिटी को कि बहुत ही यहाँ टाइट टाइट है और देख सकते हैं अंदर का नजारा कितना खूब। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ चंदन और स्वागत करता हूँ एक नए ब्लॉग में। तो आज है सप्तमी। तो सबसे पहले सप्तमी मतलब 7 दिन नवरात्रि चला गया और कल है 8वीं। तो दोस्तों सबसे पहले आप सब लोग को नवरात्रि का ढेर सारा शुभकामनाएं और दुर्गा पूजा का भी ढेर सारा शुभकामनाएं। तो गाइस दोस्तों, कल आप लोग को हम 8वीं में दिखाने वाले हैं दुर्गा पूजा का बहुत बड़ा पंडाल मूर्ति और वहां पर किस तरह से पूजा किया जाता है। जानते हैं दोस्त पूजा कौन करते हैं? फिलहाल मैं गुजरात में हूं और वहां पे पूरा बंगाल के लोग आए हैं, बहुत अच्छा से प्रोग्राम बनाते हैं जिसे 3 दिन धूमधाम से पूजा करते हैं। वीडियो में सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और हाँ, फेसबुक में होंगे तो फेसबुक को फॉलो कर लें ताकि आप लोगों को वीडियो अपडेट मिलते रहेगा। तो कल हम आप लोगों को 8वीं में जो आप लोगों को दुर्गा पूजा का पंडाल दिखाने वाला हूँ, जो वहाँ पर पूजा बहुत जगह के लोग जो गुजरात में हैं और यहाँ पर अच्छा से अच्छा पूजा करते हैं। एक स्टेट से दूसरा स्टेट में एक पूजा करना, लोगों को जलवा, लोगों का जुनून इकट्ठा होना और वो पूजा करना मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर जिस तरह से दुर्गा पूजा का पूजा होगा तो आप लोग हमारा वीडियो बने ही रहना, क्योंकि दुर्गा पूजा जो है पूरा भारत में अगर देखा जाए तो नंबर 1 में कोलकाता में अधिकतर सबसे बड़ा पंडाल बनाया जाता है जिसमें करोड़ों लाखों रुपया का आदमी का रोजगार भी मिलता है। और वहाँ पर दोस्तों वहाँ पर पंडाल जो बनाया जाता है बहुत बड़ा पंडाल आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अब दुर्गा पूजा में इंडिया का सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो दुर्गा पूजा बंगाल में आपको बेहतर से बेहतर देखने को मिलेगा। फिलहाल गुजरात में हूँ तो मैं आज कल ही दिखाऊंगा 8वीं में, तो वीडियो में बने रहना। और हाँ, वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ दोस्तों, तब तक जय हिंद, बंदे।